थाना शमशाबाद पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़े जाने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि खाते में साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर छोड़ दिया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। थाना शमशाबाद पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़े जाने का आरोप लगा है। पीड़ित भंवर सिंह निवासी शाहकापुरा थाना ने बोहरा का कहना है कि वह दिनांक 17 फरवरी 2023 को उनके बैंक खाते से पैसे निकालने बैंक गए थे। बैंक में पैसे निकालते वक्त पता चला कि उनके खाते में पैसे नहीं हैं। पीड़ित ने इस फ्रॉड की सूचना पुलिस को देकर साइबर क्राइम से शिकायत की। आगे मामला आए, मेरे बैंक में नाम है 7 लाख रुपए, 6,98,900 और जो है भी निकल चुके हैं। जैसे 17 तारीख पहले महीना में जब वो पतो पड़ी बैंक आ गए ले दाम निकालोगी तब मुझे मालूम पड़ी। जब मालूम पड़ी मैंने जैसे जब प्रार्थना पत्र लिख लू भैया डिटेल निकलवाई जाएगी बैंक की, वो निकलवा के जैसे नवोरा थाने गया। उन्हें कह दी कि शमशाबाद थाने में जाओ। शमशाबाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो शमशाबाद ने कह दिया कि यहाँ का तो कोई मैटर नहीं, तुम नवोरे थाने के रहने वाले है। मेरी माँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं पुलिस कमिश्नर के पास आया था आगरा, तो माँ आएगा मेरे प्रार्थना पत्र तब आदेश हुए। तब जैसे दूसरे महीना में पहली तारीख को दिया, 3 तारीख को मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई अज्ञात में। फिर जैसे पोर्टान खुलवा कर नंबर लगा था तो उसमें फोटो निकल के आए तो वो कोई कैमरा देखा था। बाकी बाद में जैसे साबर सेल ने खोजना करी तो साबर सेल ने पकड़ो मुंजम बनने बताई थी कि जे तो चोर है आके देखो। तो माँ आए के देखो तो महेंद्र गांव का लड़का निकल रहा था ज्ञान सिंह का, गिरफ्तार किया था 13 तारीख में, गिरफ्तार किया है 19 तारीख में छोड़ दिया है। थाना शमशाबाद पुलिस ने दिनांक 3 फरवरी 2023 को मामले में अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में जांच कर दिनांक 13 फरवरी को खाते से करीब 7 लाख रुपए निकालने वाले आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी शाहकपुरा को गिरफ्तार कर शमशाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला था और पूरा पैसा वापस देने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को 6 दिन हिरासत में रख छोड़ दिया। नहीं भेजा है, मामे को मौके पर गया था तो जो है मुझे माफ़ी मांगी उस लड़के ने कि मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं 7 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। 7 लाख रुपए देने ही कहेगा विकास ऐसा ही साहब ने जो कह दी कि तुम आज जाओ कल तुम्हारा पेमेंट अदा हो जाएगा। दूसरे दिन आए तो विकास ने जैसे मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड चढ़ाए करके एक पत्रावली का अंगूठा करवा के भगा दो चल भाग यहाँ से। 19 तारीख को चोर छोड़ के भाजा जाए नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा हूँ, बस यह कह देता है तुम्हारी जो कार्रवाई हो जाएगी। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कैसी कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। हम जो मांग कर रहे हैं कि वो चोर है, वो चोर पकड़ के जैसे महेंद्र सिंह जेल जाना चाहिए और जैसे मेरा दम अदा होना चाहिए। पीड़ित का आरोप है कि मामले में जांच कर रहे विवेचना अधिकारी विकास कुमार ने मामले में समझौता करने की बात कही थी, लेकिन दरोगा पर आरोप है कि एक पेपर पर दरोगा ने जबरदस्ती पीड़ित से अंगूठा लगवा लिया और थाने से भगा दिया। ना ही उसका कोई पैसा दिया गया, ना ही कोई कागज। पुलिस ने आरोपी से सांठगांठ कर आरोपी महेंद्र को छोड़ दिया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत शासन सहित पुलिस अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। पीड़ित आला अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहा है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।